नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समझने वाले हैं। दोनों ट्रेडिंग क्या होती है और दोनों में से कौन सी ट्रेडिंग अच्छी है, हमें कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि हमें अच्छा खासा मुनाफा हो स्टॉक मार्केट से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डे ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग मतलब क्या है कि सेम डे शेयर को खरीदना और सेम डे ही शेयर को बेच देना, उसे बोला जाता है डे ट्रेडिंग। मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिन भरे का ही ट्रांजैक्शन है, एक ही दिन का ट्रांजैक्शन आपका होता है। मार्केट खुला और मार्केट बंद होने के बीच में ही आपको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है, उसे बोला जाता है इंट्राडे ट्रेड। मतलब सेम डे आपने शेयर खरीदा, सेम डे ही शेयर को बेच दिया। हालांकि यहाँ पे आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब शेयर को पहले बेच सकते हो बाद में खरीद सकते हो इंट्राडे में, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है डे ट्रेडिंग, या फिर उसे ही हम बोल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरी तरफ स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? अब स्विंग ट्रेडिंग का जो दायरा है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा बड़ा होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग एक दिन से लेकर तो एक हफ्ता 10 दिन तक भी चल सकती है। मतलब आपने कोई शेयर आज खरीदा, उसको 2 दिन के बाद में आप बेच रहे हो, 4 दिन के बाद में बेच रहे हो, हफ्ता 10 दिन के बाद में बेच रहे हो, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग जो है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से की जाती है, और जो स्विंग जब शेयर लेता है ना, वहाँ पे हमें शेयर को खरीदना होता है, उसे स्विंग ट्रेडिंग बोली जाती है। बट स्विंग ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एक दिन से लेकर तो हफ्ता 10 दिन तक स्विंग ट्रेड चल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं लिमिट की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकर आपको थोड़ी सी ज़्यादा लिमिट देता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर आपको थोड़ी सी कम लिमिट देगा। मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एक दिन का है, इंट्राडे का है, तो ब्रोकर आपको ज़्यादा लिमिट देगा। बट आपका ट्रांजेक्शन एक दिन से ज़्यादा का है तो ब्रोकर आपको वहाँ पर थोड़ी सी कम लिमिट देता है, क्योंकि ब्रोकर का क्या है कि इंट्राडे में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, क्योंकि ड्यूरेशन कम है, छोटा समय है ना, तो एक दिन में कितना शेयर ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रोकर वहाँ पे आपको ज़्यादा लिमिट दे देता है। बट 2-4-5 दिन 10 दिन में शेयर कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए ब्रोकर वहाँ पे आपको कम लिमिट देता है, ठीक है। तो फ्रेंड, अब हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे ट्रेडिंग से और स्विंग ट्रेडिंग से? तो फ्रेंड देखिए, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, मतलब जो डे ट्रेडिंग होती है, वो एक ही दिन का सौदा होता है, तो उसमें 1% का प्रॉफिट भी बहुत है। तो हम 1-2% का प्रॉफिट का टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हफ्ता 10 दिन का हमारा ट्रेड है, तो उसमें हम 5%, 6%, 10% तक का भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन हमारा बड़ा रहेगा, उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना हमारा ड्यूरेशन कम रहेगा, उतना हमें प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ब्रोकरेज की। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो इंट्राडे में कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और डिलीवरी में ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ये फुल सर्विस ब्रोकर की बात हो गई, ठीक है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनकी ब्रोकरेज कम होती है, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर अगर हम बात करें जीरोदा की, जीरोदा भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो जीरोदा इंट्राडे में जो आपसे ब्रोकरेज लेता है वो 20 रुपये पर ऑर्डर की ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। आप कोई भी सौदा करो, चाहे वो 1,000 रुपये का सौदा हो, 1,00,000, 10,00,000 का सौदा, तो 20 रुपये पर ऑर्डर ही आपको पे करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप डिलीवरी कर रहे हो जीरोदा में, तो वहाँ पर कोई ब्रोकरेज ही नहीं है, 0 ब्रोकरेज है। तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास में बहुत ही सस्ते में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको जीरोदा में डिमेट अकाउंट ओपन करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जीरोदा में डिमेट अकाउंट बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ओपन कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं आज वो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए क्या है कि दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसकी स्टडी करना आना बहुत जरूरी है। चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर हम छोड़ भी दें, इंट्राडे ट्रेडिंग में शायद टेक्निकल चार्ट उतना काम नहीं करता, क्योंकि एक ही दिन का सौदा होता है, एक दिन के सौदे में हम टेक्निकल चार्ट पर उतना भरोसा नहीं कर सकते। बट स्विंग ट्रेडिंग की जहाँ बात आती है, वहाँ पर टेक्निकल चार्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको टेक्निकल चार्ट की स्टडी आना ही चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में ही आपको पता चलता है कि शेयर कहाँ से स्विंग ले रहा है, ठीक है, बॉटम से स्विंग ले रहा है, तो आप वहाँ पे उस शेयर को पकड़ सकते हो, ठीक है, और उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल स्टडी सीखनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक चार्ट की स्टडी आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ देखकर भी आप सीख सकते हो किस तरीके से टेक्निकल स्टडी की जाती है, टेक्निकल जो पैटर्न होते हैं चार्ट के, कैंडलस्टिक चार्ट के, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, चाहे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस के बिना हमें काम नहीं करना है। अगर हम स्टॉप लॉस के बिना काम करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे बात करें ट्रेडिंग की बात करें, और ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं दोस्तों, और बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉसेस जो है उसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना जरूरी है। लॉसेस के लिए प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं हमें वो लॉस को रोकना बहुत जरूरी है, चाहे इंट्राडे ट्रेड की बात हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सर्किट नीचे 20-20% के सर्किट होते हैं, ठीक है। मतलब कोई शेयर अगर आपने खरीदा और आपकी किस्मत खराब है तो 20% का सर्किट लग गया, तो 20% का नुकसान भी आपका हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आपको दोनों ही तरीके की ट्रेडिंग में लगाना जरूरी है। भले ही आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ मत लगाओ, बट अपने मन में स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है कि मैंने अगर 100 रुपये पर कोई शेयर खरीदा है, वो गिरकर अगर 95 हो गया, तो मैं उसे बेच दूंगा, ठीक है।
ऐसा आपको सोचना है, और 9 to 5 होता है तो आपको बेचना भी है, ठीक है। डिसिप्लिन आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों अगर आपको लंबे समय तक एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करना जरूरी है। अगर आप विदाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में टिके नहीं रह सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लॉसेज ज़्यादा होता है और प्रॉफिट्स कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा है या फिर स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, एक ही दिन का सौदा होता है, दिन भरे का सौदा होता है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन भरे में आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी बहुत कम है, ठीक है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन भरे में एक ही दिन में 1-2% का प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से निकालना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। कई बार आपको हो भी जाएगा, कई बार 1 या 5-5% का भी प्रॉफिट आपको हो सकता है, ठीक है। इंट्राडे में 10-10% का भी हो सकता है, बट दोस्तों रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इंट्राडे ट्रेडिंग में। बट अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पर भी रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है, बट थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क कम है। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा बेटर स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, समय आपको ज़्यादा मिलता है, आपके पास में एक दिन नहीं है, आपके पास में 2-4-5 दिन 10 दिन है, ठीक है। उस शेयर को ग्रो होने के लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा समय दोगे तो शेयर जरूर बढ़ सकता है, अगर अच्छे उसके टेक्निकल चार्ट पे अगर वो ठीक ठाक है, स्विंग ले रहा है और प्रॉपर है, सारी चीज़ें ठीक है, तो शेयर जरूर बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग ना करते हुए स्विंग ट्रेडिंग करें, ठीक है। दोनों के अपने अपने रूल है, ठीक है, दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके हिसाब से हमें वो ट्रेडिंग करना चाहिए। बट आप इंट्राडे ट्रेडिंग के शौकीन हो तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, बट स्टॉप लॉस आपको वहाँ पे लगाना जरूरी है, और छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, 1-2% के टारगेट काफ़ी होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग की अगर आप बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा रख सकते हो, 5-6%, 7-8% की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बट वहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करना है। और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, और उससे भी बेस्ट है अगर आप ये दोनों ट्रेडिंग ना करते हुए इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है दोस्तों स्टॉक मार्केट। आज तक जितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है तो वो इन्वेस्टर ही है, ट्रेडर लोगों ने तो पैसा कमाया ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। ट्रेडिंग है कि जैसे हम फन के लिए कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, पैसा बन गया तो बन गया, बट डिसिप्लिन रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट सोचने के पहले लॉस हमें सोचना है, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचो, आप पहले लॉस के बारे में सोचो, मुझे ट्रेडिंग में कितना लॉस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉस को बैरियर लगाना बहुत जरूरी है, इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करिए ट्रेडिंग में। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रियल में अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, 2-4-5 साल के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, तो जरूर वहाँ पे आपकी वेल्थ बनती है। अगर हम सेंसेक्स को भी देखें तो आज 50,000 के करीब या 50,000 के पार भी सेंसेक्स जा रहा है, तो ये जो सेंसेक्स बढ़ा है ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में बढ़ा है, और सेंसेक्स का जो एवरेज रिटर्न है वो 17% का एवरेज रिटर्न है लॉन्ग टर्म की जर्नी में, ठीक है। तो एवरग्रीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी टाइप की ट्रेडिंग से। बट हम आज जो बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से अगर आपको एक चूज करना है तो फिर स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट। देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है स्विंग ट्रेडिंग के मुकाबले। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में भी टाइम जाता है, टाइम लगता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या कि अगर आपने कोई सौदा किया तो दिन भर आप उस शेयर को देखते रहते हो, मोबाइल पे उसका भाव देखते रहोगे, मैंने जो शेयर खरीदा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ब्रोकर को बार बार फोन करके पूछोगे। तो कहने का मतलब कि ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट होता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तब, क्योंकि आपको एक ही दिन का सौदा है और एक ही दिन में उस सौदे को आपको काटना है, तो दिन भर आप उसी में लगे रहते हो। बट अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग का जो सौदा होता है वो एक दिन का नहीं होता, 2-4-5 दिन 10 दिन का भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर हमने कोई शेयर खरीदा तो हम दिन भर उसे शायद नहीं देखेंगे, एक बार हमने टारगेट लगा दिया सिस्टम में तो फिर बस हम अपना काम कर रहे हैं, जब वो टारगेट आएगा तो हमें पता चल जाता है, क्या ब्रोकर को भी आपने बोल दिया मेरा टारगेट आएगा तो बता देना, क्योंकि जो टारगेट होते थोड़े बड़े होते 5-6% के, तो इतना आसानी से टारगेट आते नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा समय मिलता है, मतलब ज़्यादा आप बिजी नहीं रहते हो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ज़्यादा बिजी आपको स्टॉक मार्केट में रहना पड़ेगा, ज़्यादा समय आपको स्टॉक मार्केट में देना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के कॉल्स देने वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, इंदौर से आपको फोन आएंगे, वो बोलेंगे कि आपको हम टिप्स देंगे, सर हमारी सर्विस आप ले लीजिए, ठीक है, आप इतना इतना मुनाफा आप कमा सकते हो, ठीक है। टीवी पर भी आपको टिप्स देने वाले लोग मिलेंगे, बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं जो आपको टिप्स देते हैं, बताते हैं कि कौन कौन सा शेयर खरीदना है, कई सारी एडवाइजरी फॉर्म है वो आपको टिप्स देंगी। तो बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे पेड टिप्स के लिए, ठीक है। तो आपको इनसे किसी से भी टिप्स नहीं लेना है दोस्तों, अगर आप इनसे टिप्स लेंगे तो आप लॉस ही करोगे।
पहले तो ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना वैसे ही मुश्किल है, और इन लोगों की अगर टिप्स लोगे तो डबल लॉस है, क्योंकि इनको फीस भी आपको पे करना है, ठीक है। ठीक है, टीवी वाले आपको फ्री में टिप्स दे भी देंगे, बस पर दोस्तों देखिए आपको टीवी में भी कैसे कैसे केसेस हो जाते हैं। अभी सीएनबीसी का केसेस हुआ, ठीक है, वो एंकर का केस हुआ, आपको पता है। तो ऐसे केसेस होते हैं, तो जो सामने वाला बंदा टिप्स दे रहा है, हमें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता है, बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता है क्या होता है, क्या चलता है। तो बेहतर यह है कि देखिए टीवी देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप टीवी मत देखिए, एनालिस्ट को मत सुनिए, बिल्कुल देखिए, उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, और भी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, कई सारी न्यूज़ आती है जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट जो भी बंदा टिप्स दे रहा है उससे अगर आप टिप्स ले भी रहे हो तो उसके टिप्स पर अपनी स्टडी अप्लाई करिए, ठीक है, खुद की स्टडी अप्लाई करिए, खुद टेक्निकल स्टडी सीखिए, खुद टेक्निकल जो चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, उसको पढ़ना सीखिए, उसको समझना सीखिए, और अपनी स्टडी अप्लाई करने के बाद में ही शेयर खरीदिए। आप सजेशन ले सकते हो, आप किसी से भी सजेशन ले लीजिए, बट खुद की स्टडी अप्लाई किए बिना आप शेयर मत खरीदिए। खुद का इन्वेस्टमेंट ही मतलब खुद की स्टडी कर कर ही आप अगर शेयर खरीदोगे तो वहाँ से ही आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो, दूसरे आपको पैसे कमा कर नहीं दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि डे ट्रेडिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के अपने अपने नियम हैं, तो उसके हिसाब से ही उसको आपको ट्रीट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।